हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोस। दोस्तों, गर्मियों के टाइम पे हम बच्चे को क्या खाना दे रहे हैं, कैसे खाना दे रहे हैं, क्या चीज़ें हमें बच्चों को नहीं खिलानी है, क्या चीज़ें हमें देनी है जिससे कि उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, उन्हें पानी की कमी नहीं हो, या जो गर्मियों में खास करके छोटे 1 साल से छोटे बच्चों को दिक्कतें हो जाती हैं, बड़े बच्चों को भी होती हैं सर्दी जुकाम की दिक्कतें, या उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया है या डायरिया हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बच्चे को ना हो तो हमें कहीं ना कहीं उन्हें हम क्या खाने को दे रहे हैं उस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम आज इस वीडियो में आपके साथ इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को गर्मियों में देनी चाहिए स्पेशली, और क्या चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को गर्मियों में अवॉइड करनी है, नहीं देनी है या कम कर देनी है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत से पेरेंट्स के क्वेरीज आते हैं कि हम बच्चों को क्या गर्मी में ये दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट पाउडर दे सकते हैं, काफ़ी इस तरीके के जो सवाल पेरेंट्स के मन में होते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि हमें क्या खिलाएं, तो इसलिए हम आपको पहले बताएंगे 1 साल से छोटे बच्चों को कि आप क्या क्या उन्हें खिला सकते हो गर्मियों के टाइम पर। छोटे बच्चों को आप फ्रूट्स सबसे ज़्यादा फोकस रखो, फ्रूट्स जो फल है, जो सीजनल फल है, जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, खरबूज, तरबूज, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ग्रेप्स वगैरह, ये सब बच्चों को दो। आप इसको अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 8-9 महीने का है, तो उसे छोटे छोटे पीसेस में काट के दे दो, वो अपने आप खाएगा, फिंगर फूड जैसा भी खा सकता है। नहीं तो आप उसको एक जूस के फॉर्म में भी बना करके, घर पे ही बना करके उसको बच्चे को दे सकते हो, मैश करके दे सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ों पर फोकस करो, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे अब आप ये सोचो कि बच्चे को मैंने खिचड़ी बनाई है तो पूरी पूरी जितना वो आप चाहते हो बच्चा खाए उतना वो खा रहा, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे वैसे भी बच्चों की डाइट काफ़ी कम हो जाती है। तो बच्चा जितना भी खा रहा है आपने ये ध्यान रखना कि वो जितना भी डाइट ले रहा है तो उसमें इतनी चीज़ें हों कि उसकी ग्रोथ पर फ़र्क ना पड़े। दूसरी बात, आप बच्चों को गर्मियों के टाइम पर साबूदाने की खीर बना के दे सकते हो। साबूदाना बच्चों की बॉडी को काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन करता है, तो आप साबूदाने पे फोकस कर सकते हो। साबूदाने को रात में भिगा दो, बिल्कुल छोटे छोटे जो दाने आते हैं वो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप साबूदाने को रात में भिगा के सुबह उसकी खीर बना के बच्चों को दे सकते हो, वो काफ़ी शौक से खाएंगे। कोशिश करो आप इस टाइम पर बच्चों को ठंडी चीज़ ही दो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म गर्म बना करके जो रूम टेम्परेचर, क्योंकि बच्चा हो सकता है उस चीज़ को ना इतना अच्छा खा पाए, तो आप टेस्ट करो थोड़ी सी हल्की ठंडी लगे तो उसको दिन के टाइम पे आप खिला सकते हो। 1 साल से छोटे बच्चों के लिए आप नेक्स्ट ऑप्शन आता है दही का। दही आप बच्चों की ब्रेकफास्ट में, दोपहर में, शाम में, जब आपको ठीक लगे किसी किसी फॉर्म में बच्चों को दही दे सकते हो, स्मूदी के फॉर्म में दे सकते हो, उसमें स्ट्रॉबेरी क्रश करके डाल दो, उसमें आप चाहे मैंगो क्रश करके डाल दो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, बनाना मैश जो आपको अच्छा लगे स्मूदी बनाने में, बच्चे को दही का फॉर्म दो। दही से बच्चे का पेट ठंडक रहता है, उस बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप दही बच्चों की डाइट में स्पेशली इंक्लूड करो। इसके अलावा बच्चों को नारियल पानी दे सकते हो, नारियल पानी से भी बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है एंड बच्चे का जो भी पेट से रिलेटेड जो इशू होता है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है, बच्चे को पेट से रिलेटेड कोई बीमारी जल्दी नहीं होती है। बाकी स्नैक्स के फॉर्म में बच्चों को फ्राइड, जैसे बच्चों इस टाइम पे बहुत पेरेंट्स बच्चों को पोटैटो फ्राइज़ वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़ बना के देते हैं, तो आप वो अवॉइड करके बच्चों को हल्का सा मखाना रोस्ट करके देसी घी में दे सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। छोटे छोटे बच्चे उसको मुँह में रखते हैं, वो धीरे धीरे उसको रिजॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छे से उसको खा लेता है। ऐसा मत सोचो कि मखाना वो कैसे खाएगा, वो आराम से खा सकता है। तो इन चीज़ों को आप बच्चों की डाइट में इंक्लूड करो जो लाइट वेट है लेकिन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स देंगे, तो उन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करें कि अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है हमारा तो हम उसे क्या डाइट में दें, तो आप सेम चीज़ जो हमने आपको इधर बताई है 1 साल से छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चों को भी वो दे सकते हो। साबूदाने की खीर बड़े बच्चों के लिए भी उतनी ही बेनिफिट आपका हेल्प करेगी जितना छोटे बच्चों को हेल्प करती है। साबूदाना की खीर जो पेरेंट्स को दिक्कत होती है कि मेरे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, आप उन्हें दे सकते हो, वो बच्चों का वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। फ्रूट्स में आप बच्चों को बनाना दे सकते हो, वो भी पेट को ठंडा करता है, वेट गेन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि बच्चा इस टाइम ज़्यादा खाना नहीं खाता। तो बहुत से पेरेंट्स को ये भी लगता है कि हमारे बच्चे का वेट गेन कम, मतलब वेट नहीं अच्छे से गेन होगा, वो कमज़ोर पड़ने लग जाएगा, उसकी एक्टिविटीज़ उतनी नहीं हो पाएंगी, खाना नहीं खाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसको जैसे बनाना दे रहे हो तो उसका पेट भी फुल रहे, उसको जो कैल्शियम की नीड है वो भी मिल रही, तो आप इस चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करो कि हाँ, बच्चा अगर खाना नहीं भी खा रहा तो भी उसको उतना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। इसके अलावा आप दही बड़े बच्चों को भी दे सकते हो।
बाकी आप बड़े बच्चों को शेक्स बना के दे सकते हो, आप कोई भी फ्रूट का शेक बना दो, बच्चा शेक बड़ा है तो आराम से पी सकता है, शेक दो उसको, दही के अलग अलग फॉर्म्स बना दो, जैसे अप्पे होता है उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के अपम बना दो, तो इस तरीके से आप वेरिएशन कर सकते हो, चिल्ला बना के दे दो। तो कर हैवी मील्स आप चाहो, बच्चा रोटी सब्जी जो पहले प्रॉपर खाता था हमारा बच्चा वैसे ही खाए तो उतना पॉसिबल नहीं होता है, आप थोड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंट मील्स को दे सकते हो, बच्चा उसको शौक से खाता है। इसके अलावा बच्चों को पन्ना बना के दे सकते हो, 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसे आम का पन्ना दे सकते हो, नहीं तो आप उसे सत्तू का भी पन्ना बनता है, सत्तू जो होता है उसको भी अगर बच्चों को डाइट में इंक्लूड करते हो, सत्तू का पानी पिलाते हो, उसको एक जूस के फॉर्म में बनाते हो, तो उसको भी बच्चा पी के उसका भी बॉडी काफ़ी ठंडक उसकी बॉडी में मेंटेन रहता है और उसकी कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह का जो लेवल, क्योंकि बच्चों को जब पसीना आता है तो पोटाशियम वगैरह काफ़ी लॉस हो जाता है बॉडी से, तो आप सत्तू दोगे तो उसमें पोटाशियम है, ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सकती है, तो आप सत्तू उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, कोकोनट वाटर उनको फ्रिक्वेंटली दे सकते हो, पर आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो नहीं देनी, चाहे आपके बच्चे को कितना भी पसंद हो, आपने बाहर कैफीन वगैरह इस तरीके की कोई भी ड्रिंक्स बच्चे को नहीं देनी कि गर्मियों का मौसम है थोड़ा सा पी लेगा तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों की आदत ना डाल के उसे छाछ लस्सी इन सारी चीज़ों पर फोकस करोगे तो बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सकेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपने एक बच्चे को क्या नहीं खिलाना है, चाहे वो 1 साल से छोटा हो चाहे वो 1 साल से बड़ा हो। तो दोस्तों स्पेशली गर्मियों के टाइम पे डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों के लिए अंडा काफ़ी अच्छा होता है, पर गर्मियों के टाइम पे आप अंडा जितना कम से कम कर सकते हो उतना अच्छा होता है, हफ्ते में 1 से 2 बार बच्चों को दे सकते हो। 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको बिल्कुल आपको गर्मियों के सीज़न में अवॉइड कर देना चाहिए, 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उससे आप हफ्ते में 1-2 बार अंडा दे सकते हो, बॉइल्ड एग या जो भी आपने हाफ फ्राई फॉर्म जो भी फॉर्म में आपको देना दे सकते हो। उसके अलावा आपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स डायरेक्ट नहीं देना है, आपने अगर बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देने का मन है तो आप उसे रात में सोक कर लो पानी में भिगा करके तब आपको देना है, किशमिश आप ऐसे भी दे सकते हो बच्चे को, पर बादाम हो गया अखरोट हो गया जो भी इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स है जिसकी तेसी गर्म होती है, ड्राई फ्रूट्स वैसे ही सारे गर्म करते हैं, तो वो चीज़ें आपको भिगा करके ही देनी है, डेली बेसिस पर थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि वो गर्म करेगा पेट में। इसके अलावा आपने चिकन जो बच्चे काफ़ी अच्छे से शौक से खाते हैं उनकी चिकन को भी जो उनके खाने का डेली रेशियो है उसको थोड़ा कम कर देना है, वीक में अगर वो 3 बार खा रहे हो तो उसे 1 बार पे करना होगा आपको, जिससे कि बॉडी की बच्चे की बॉडी में गर्माहट कम से कम पैदा हो सके, जितनी बॉडी में गर्माहट कम रहेगी बच्चा रिलैक्स रहेगा तो वो खुद अपना खाना खाएगा, पर अगर उसकी बॉडी में गर्माहट होगी अंदर से उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो आप कितना भी उसको कम खाना दे दो या कुछ भी अच्छा बना दोगे वो नहीं खाएगा उस चीज़ को। इसके बाद दोस्तों आपने बच्चों को जायफल नहीं देना है, क्योंकि बहुत से बच्चों की कंप्लेन होती है उनको सर्दी खांसी हो गई है तो उसमें पेरेंट्स उनको जायफल देना शुरू कर देते हैं, तो आपने गर्मियों के टाइम पे जायफल नहीं देना है, जायफल की तासीर काफ़ी गर्म होती है तो आपको गर्मियों के टाइम पे जायफल को अवॉइड करना है। अगर आप बच्चों को बादाम देना चाहते हो तो उस पर हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वो वीडियो देख लो, उस तरीके से आप बच्चे को बादाम दे सकते हो गर्मियों के टाइम पे भी, उससे बच्चों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी उनके बॉडी में रैशेस नहीं होंगे। दोस्तों जो हमने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखना आपके बच्चे की जो गर्मी है वो बहुत आराम से निकल जाएगी, कोई भी किसी तरीके की बीमारी उन्हें नहीं होगी, वो खाना कम भी खाएंगे तो भी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा जो पेरेंट्स के मन में क्वेश्चंस होता है, 2 क्वेश्चंस बहुत कॉमन मैंने देखे हैं पेरेंट्स के मन में कि गर्मियों के टाइम पे हमारा बच्चा खाना छोड़ के पानी बहुत ज़्यादा पीता है, वो खाना खाता ही नहीं, हर थोड़ी देर में उसको पानी चाहिए होता है। तो दोस्तों आपको पानी जब बच्चा पी रहा है तो पानी का आपको ध्यान रखना कि जब उसे प्यास लग रही है तो आप कोशिश करो उसे जूस के फॉर्म में जूस दे दो, पर पैकेट वाला जूस आपको नहीं देना है बाहर का, आप घर का ही जूस बना के उसे दे सकते हो, घर का जूस बना के दे दो, आप उसे कोकोनट वाटर वगैरह दे सकते हो, इससे क्या होगा बच्चे जो पानी पी रहा है उसमें कोई न्यूट्रिएंट तो है नहीं, तो जब पानी पिएगा तो उसके बॉडी में कोई भी ग्रोथ वाली चीज़ नहीं जा रही है, तो आप जूस के फॉर्म में दे सकते हो। और अगर आप बच्चे को खाना खिलाने बैठ रहे हो तो कोशिश करो उसके 1 घंटे पहले आधे घंटे तक उसने पानी नहीं पिया हो, अगर पानी पिया है तो आप थोड़ी देर रुक करके फिर उसे खाना खिलाओगे तो वो खाना खा लेगा।
बाकी अगर बच्चा और पानी मांग रहा है या खाना खाना ही नहीं चाह रहा है तो मतलब है कि उसको कुछ हैवी चीज़ नहीं खानी, उसे लाइट चीज़ें चाहिए, तो आप लाइट चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। आप उसको सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बना के दे सकते हो, तो इस तरीके की चीज़ें दोगे तो बच्चा खाएगा और जब पेट भरा रहेगा तो वो पानी इतना ज़्यादा नहीं मांगेगा। अगर गर्मी की वजह से वो पानी मांग भी रहा है तो भी उस केस में आप उसे जूस ऑफर करोगे तो उसका पेट भी भरा रहेगा एंड काफ़ी देर तक उसे प्यास नहीं लगेगी। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करो। और दूसरी चीज़ पेरेंट्स के मन में आती है कि क्या गर्मियों के टाइम पर जो हम ड्राई फ्रूट पाउडर बना के रखते हैं, क्या उसकी पॉरेज वगैरह में किसी चीज़ में उसको दूध में मिला के दे सकते हैं? तो आपको आप दे सकते हो, बस आपको क्वांटिटी उसकी काफ़ी कम कर देनी होगी। और जो पॉरेज आप दे रहे हो कोशिश करो वो रूम टेम्परेचर पर या ठंडा हो, क्योंकि पॉरेज ऐसी चीज़ है, खीर हो गया या ओट्स हो गया, वो आप इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये दूध में बना करके बच्चों को ठंडी भी दे सकते हो, ठंडी भी बनती हैं। आप ठंडी उसको दोगे तो बच्चा काफ़ी शौक से खीर के फॉर्म में आप दो तो वो खा लेगा। आप उस ठंडे दूध में अगर आप बच्चों को थोड़ा ड्राई फ्रूट पाउडर मिला भी दोगे तो इतना नुकसान नहीं करेगा, पर क्वांटिटी काफ़ी कम रखनी है। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।